वेलकम टू फाइजा किचन एंड ब्लॉग्स। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी गोभी गाजर मटर की। मैं बहुत क्विकली इसको बनाती हूं और उसके लिए मैंने अभी अपने वीडियो क्लिपिंग में देखा किस तरीके से गोभी को और गाजर को नमक डाल के बॉयल कर लिया। मैं ज़्यादा पानी में बॉयल नहीं करती, मेरी कोशिश होती है कि उतना ही पानी लूँ जितने में गोभी और गाजर गल जाए। गाजर कभी अगर बासी हो जाती है और वो सैलड में काटने के लायक ना रहे तो आप उसको छोटा छोटा काट के फ्रीजर में फ्रीज करके कंटेनर्स में रख दीजिए या जिप लॉक बैग में रख दीजिए। और जब भी कभी आपको मिक्स सब्जी बनानी हो तो जी ये आपके लिए कटी हुई गाजर तैयार होती है। तो बस मैंने इस वक्त वही किया है, मेरे पास इसी तरह से गाजर मौजूद थी और मैंने इसको यूज़ किया है। मटर मैंने फ्रोजन लिए थे, वो ऑलमोस्ट बहुत सॉफ्ट होते हैं, गले हुए होते हैं, फिर भी मैंने उसको एक नमक के पानी में एक उबाल देके इस वक्त रेडी कर लिया है। आला बनाएंगे उसके लिए हमें एक प्याज चाहिए जो हमने काट ली है, एक टमाटर वो भी हमने काट लिया है, अदरक लहसुन इसमें इस तरीके से मैं अभी इसे पीस लूंगी और इसको बहुत फाइन पेस्ट तो नहीं बनेगा मगर इस तरीके से करके मैं इसको इतनी इसका पीस लूंगी थोड़ी देर में कि ये थोड़ा काफी सॉफ्ट हो जाए और मुंह में ना आए। और आप देख लें इसमें अदरक थोड़ी ज्यादा ही डलेगी क्योंकि गोभी बादी होती है। मसाले बहुत ही बेसिक मसाले हैं, नमक हसबे जायका क्योंकि हमने उबालते हुए भी सब्जियों में नमक डाला था तो इस चीज का आप ख्याल रखिएगा, हल्दी 1 टीस्पून, जीरा भुना पिसा हुआ है ये जीरा पाउडर और ये है 1 टेबलस्पून। मैं थोड़ा ज्यादा डालती हूँ, सब्जियों में हाजमे के लिए भी अच्छा होता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा देती है। लाल मिर्च कुटी हुई ये मैंने 1/4 टीस्पून ली है, 1 टीस्पून लाल मिर्ची। मीडियम फ्लेम ऑन करके आप सबसे पहले इसमें डालें तेल, कुकिंग ऑयल जो भी आप लोग यूज करते हैं। सरसों का तेल यूज करेंगे तो सब्जी और मजे की बनेगी। मैंने इस वक्त सादा अपना कुकिंग ऑयल यूज किया जो मैं डेली खानों में यूज करती हूँ, आप घी में भी बना सकते हैं। 5 टेबलस्पून तेल ले लिया मैंने, आप चाहें तो ज्यादा भी ले सकते हैं। और इसके बाद जैसी तेल गर्म हो जाए हम इसमें सबसे पहले ऐड करेंगे कटी हुई प्याज और हम इसे हल्की दरमियानी आँच में हम इस तरह से इसको इसकी भुनाई शुरू करेंगे कि प्याज जले ना, बस थोड़ा अपना कलर चेंज कर ले और सॉफ्ट हो जाए। प्याज ने हमारी कलर चेंज करना शुरू कर दिया, हल्की गुलाबी हो गई है। इस वक्त हम ये सारे मसाले जो हमने शुरू में आपको दिखाए थे ये मैं सारे इसमें ऐड कर दूंगी और हम इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे इतना कि मसाला और प्याज एक जान हो जाए, अच्छे से एक दूसरे में इसमें मिक्स हो जाए। मैं ग्रेनाइट का कुकिंग पॉट्स यूज़ करती हूँ तो मैं ख्याल रखती हूँ मैं इसमें कोई स्टील का चमचा ना यूज़ करूँ। मेरे सारे जो कुकिंग स्पून्स होते हैं ये नॉनस्टिक वाले ही होते हैं जो कि हम नॉनस्टिक पैन्स में यूज़ करते हैं। मैं इसमें बिल्कुल लोहे की कोई चीज़ नहीं लगाती क्योंकि ये फिर ख़राब हो जाएगा कुकिंग पॉट। ये देखिए मसाला इस वक्त इसमें भुन गया है। इस वक्त हम शामिल करेंगे इसमें टमाटर जो हमने काट के रखा था, एक टमाटर, और इसकी भी अच्छे तरीके से इसमें मिक्सिंग कर लेंगे ताकि मसाला और टमाटर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। थोड़ी देर इसको कंटिन्यूसली चलाने के बाद आप इसका कैप लगा दीजिए, हल्की दरमियानी आंच में टमाटर के सॉफ्ट होने तक थोड़ा भुनिए। इससे पहले कि मैं इसकी लिड लगा के इसको इसकी सॉफ्ट होने के लिए छोड़ूं, इस वक्त मैं शामिल करूंगी ये अदरक लहसुन। बिल्कुल प्याज के फौरन बाद मैंने अदरक लहसुन नहीं डाला, आपने देखा है, क्योंकि मुझे चाहिए सब्ज़ी में इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा, और क्योंकि ये इसमें अदरक की मिकदार भी ज़्यादा थी क्योंकि ये बादी होती है और ज़्यादा इसमें अदरक डलती है गोभी बनाते हुए। तो ये देखिए हमने इसमें ये शामिल कर दिया, अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। चारों चीज़ें प्याज टमाटर अदरक लहसुन ये सारा अब एक साथ ही सॉफ्ट हो जाएगा, एक साथ ही इसकी भुनाई हो जाएगी। और चाहे तो इस वक्त आप इसमें थोड़ा पानी शामिल कर दीजिए ताकि मसाला जले ना, और इसको हल्की धीमी आंच में लिड लगा के पकने के लिए छोड़ दीजिए। दो मिनट का टाइम गुजर चुका है, अब हम लिड खोल के चेक करते हैं कि हमारे प्याज टमाटर और मसाला तैयार हुआ है कि नहीं। हम चमचा चला के देखते हैं, ये देखिए तेल साइड से छूट रहा है, इसका मतलब कि ये तैयार हो रहा है। ये देखिए कितनी प्यारी रंगत आई है। ये सब्जी मेरी इंडियन फ्रेंड्स बहुत पसंद करती हैं, वो जब भी मेरे यहाँ लंच वगैरह पे आती हैं मैं उनके लिए ज़रूर बनाती हूँ और मुझे कहती हैं हम भी ऐसे ही बनाते हैं मगर तुम्हारी सब्जी का टेस्ट ही अलग होता है। तो मैंने फिर उनको ये सीक्रेट बताया कि मैं किस तरीके से इसको बॉयल करके फिर करती हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग ये शिकायत करते हैं कि गोभी गली नहीं, अध गली रह गई, कुछ पीसेस
कम गले थे तो खाने में मज़ा नहीं आता, खाने का मज़ा सारा ख़राब हो जाता है। मगर ये देखिए कि मैं इसको पहले, क्योंकि गाजर आलू, आप अगर आलू भी डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, मैंने इस वक्त गाजर गोभी और मटर लिया है और पहले ही उसको नमक के पानी में उबाल के अलग कर लिया है। मगर इतना पानी नहीं लिया कि उसमें पानी वेस्ट हो, इतना लिया कि बस उसी में ही वो गल भी जाए और उबल भी जाए, तो मुझे पानी डिस्कार्ड नहीं करना पड़ता। क्योंकि हम लोग अगर कच्ची सब्जियों की बहुत देर तक भुनाई करें तो हमारे खानों में से फिर सब्जियों की सारे न्यूट्रिशन बेनिफिट्स हमें मिलते नहीं हैं। मसाला तैयार हो चुका है पूरी तरीके से, तो अब मैं इस वक्त ये सब्जियां ऐड कर दूंगी इसमें जो पहले से हमने रेडी करके बॉईल करके रखी हुई हैं। और नमक आपने चखना ज़रूर है, क्योंकि नमक आपने उबालते हुए भी डाला था और नमक आपने मसाले में भी डाला है, तो नमक कोशिश करके शुरू में हल्का रखा कीजिए, बाद में बढ़ा लीजिए, ताकि अगर ज़्यादा हो गया तो आप कम नहीं कर सकेंगे, मगर कम को आराम से ज़्यादा किया जा सकता है। इस तरीके से अब मैं देखें सब्जियों को मिक्स कर रही हूँ, और साथ ही साथ मैं इस वक्त इसमें ये मटर भी शामिल कर दूंगी। ये भी मैंने आपको बताया, मैंने एक तो फ्रोज़न लिए थे, वो ऑलरेडी सॉफ्ट होते हैं, और फिर ये कि मैंने इनको नमक के पानी में एक दफ़ा उबाल लिया। जब इसमें उबाल आ गया, मैंने एक मटर को प्रेस करके देख लिया और वो ऑलमोस्ट 90% डन था, तो बस फिर मैंने उसको छलनी में छान के अलग कर लिया था। एक दो मिनट हल्की आँच पर दम दे दिया था, और ये देखिए कितनी अच्छी ये तैयार हो गई है। बस ये वो टाइम है कि अब हम स्टोव ऑफ कर देंगे, बंद कर दिया हमने। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारी सब्जी हो गई है तैयार, कितनी मज़े की गोभी गाजर मटर की सब्जी बन गई है। अब मैं इसे गार्निश करूँगी, मेरे पास हैं ब्लैक सीड्स। काफ़ी लोग पकाते वक्त कलवंजी भी डालते हैं, मगर मैं इसमें कलवंजी नहीं डालती, इसमें मैं ब्लैक सीड्स डालती हूँ। इसके हेल्थ बेनिफिट्स इतने ज़्यादा हैं, वैसे तो अलग से ही खाए नहीं जाते हैं, तो अगर हम इन्हें अपनी सब्जियों वगैरह में ऐड कर लें, मगर देखें इसको भुनिएगा नहीं। आप अगर इसको भुन लेंगे सालन में या सब्जी बनाते हुए, तो इसकी सारी एडवांटेजेस ख़त्म हो जाएंगे, आप इससे फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। तो इसे गार्निश करते वक्त आप डालिए, लुक में भी कितना प्यारा लगता है और खाने में भी बहुत मज़े का लगता है, और इस बहाने खा लिया जाता है। और हरा धनिया तो जान होता है, उसके बगैर तो गार्निशिंग बिल्कुल इनकम्प्लीट होती है। तो थोड़ा इसमें हम धनिया डालेंगे और हम इसे सर्व करेंगे। सर्व कीजिए आप इसे, चाहे तो दाल चावल के साथ सब्जी रखिए, या तो चाहे आप पराठे या रोटी चपातियों के साथ खाइए, नान के साथ एंजॉय कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा मेरे स्टाइल से बनी हुई गोभी गाजर मटर की सब्जी जी, और वो भी फुल ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स के साथ। टेक केयर, बाय।